नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज 140 दिनों के बाद खुले तमाम धार्मिक स्थल, कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। अगले 5 दिनों तक जमकर होगी बारिश। गंडक नदी में नाव डूबने से हुआ बड़ा हादसा। पंचायत चुनाव में प्रचार को लेकर आयोग ने जारी किए निर्देश। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्य सचिवालय में चली नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 14 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसके तहत इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। सरकार ने देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े गरीब व SC/ST परिवारों के आजीविका के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता और अनुदान देने के लिए कुल 249.76 करोड़ विमुक्ति की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही भागलपुर, सासाराम और बक्सर जिलों में सड़क ऊपरी पुल निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी दी गई। साथ ही साथ मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में नए GIS ग्रेड उपकेंद्र के निर्माण के लिए भी स्वीकृति मिली है। आज 140 दिनों के बाद खुले तमाम धार्मिक स्थल। बिहार में आज से अनलॉक 6 शुरू हो गया है और इसमें सबसे बड़ी राहत धार्मिक स्थलों को लेकर हुई है, क्योंकि 140 दिनों के बाद आज से तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च समेत तमाम तरह के धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के साथ ही तमाम धार्मिक स्थलों, आयोजनों व अन्य कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब हालातों के सुधरने के साथ ही बाकी चीजों की तरह इन्हें भी राहत मिल गई। इससे उन लोगों को फायदा होगा के रोजगार इन धार्मिक स्थलों के खुले रहने पर चला करते थे। साथ ही साथ आम लोग भी मंदिरों में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। इसके अलावा अब सभी तरह के दुकान, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, उद्यान, पार्क पहले की तरह ही खुल गए हैं। पंजाब शिक्षा विभाग में मास्टर कैडर के पदों पर निकली भर्तियां। पंजाब सरकार के एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मास्टर कैडर टीचर के 495 खाली पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें अंग्रेजी के 121 पोस्ट, मैथ के 199 पोस्ट और विज्ञान के 175 पदों पर भर्ती होनी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 45% के साथ ग्रेजुएशन पास और BEd का होना अनिवार्य है। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 37 साल निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। वही आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 सितंबर 2021 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.educationrecruitmentboard.com पर जा सकते हैं और इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक को चेक कर सकते हैं। अगले 5 दिनों तक जमकर होगी बारिश। राज्य में मानसूनी प्रभावों से लगातार ही बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि मानसूनी ट्रफ लाइन हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र में जा रही है, जिस वजह से सूबे में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। इसके प्रभाव से आने वाले 5 दिनों तक कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। खास करके उत्तर बिहार के अररिया और किशनगंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां मेघ गर्जन के साथ ही भारी बारिश होने के आसार है। वहीं पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गंडक नदी में नाव डूबने से हुआ बड़ा हादसा। सूबे में उफनती नदियों के सहारे सफर करना खतरे से खाली नहीं है। आज सुबह ही गंडक नदी में नाव का सफर करना 20 लोगों को भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक बगहा के दीनदयाल घाट में यात्रियों से भरी एक नाव गंडक नदी में डूब गई। इस नाव पर करीब 25 लोगों के सवार होने की बात कही जा रही है, जिनमें से 5 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला गया। बाकी के 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में प्रशासन की रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक दियारा से शहर आने के क्रम में नदी के बहाव में नाव असंतुलित हो गई थी। पंचायत चुनाव प्रचार को लेकर आयोग ने जारी किए निर्देश। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब नामांकन और चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत चुनाव प्रचार के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी सिर्फ एक दुपहिया वाहन का उपयोग कर सकेंगे। वहीं मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति के सदस्य पदों के लिए प्रत्याशी को 2 दुपहिया वाहन या फिर 1 हल्का मोटर वाहन के प्रयोग की अनुमति मिली है और जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार को अधिकतम 4 दुपहिया वाहन अथवा 2 हल्के मोटर वाहन या फिर 2 दुपहिया वाहन तथा 1 हल्का मोटर वाहन का प्रयोग करने की अनुमति मिली है। इसके अलावे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से भी प्रचार किया जा सकता है। वहीं इसका खर्च भी चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। उद्योग मंत्री ने बिहार को 2 टेक्सटाइल पार्क दिए जाने की रखी मांग। सूबे के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य कर रहे हैं। इस कड़ी में मंत्री ने बीते दिन केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से दिल्ली में मुलाकात की और बिहार को 2 टेक्सटाइल पार्क दिए जाने की मांग रखी।
उन्होंने कहा कि 200 एकड़ के दो टेक्सटाइल पार्क के लिए बिहार के पास जमीन उपलब्ध है और अगर केंद्र सरकार की ओर से बिहार की इन मांगों को स्वीकार किया जाता है तो जल्द ही बिहार में दो टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। बताते चले कि टेक्सटाइल पार्क के तहत एक ही जगह पर कई सारी फैक्ट्री यूनिट को स्थापित किया जा सकता है, ऐसे में इससे रोजगार की अपार संभावना है। आरजेडी में कलह के बीच वृंदावन पहुंचे तेज प्रताप यादव। राष्ट्रीय जनता दल में आंतरिक कलह अभी भी जारी है और इस बीच राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक से बुधवार की दोपहर को वृंदावन पहुंच गए। इस दौरान वे वृंदावन में परिक्रमा मार्ग स्थित अपने गुरु वल्लभाचार्य महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद दिल्ली को रवाना हो गए। इस दौरान वे मीडिया से बचते हुए नजर आए। बताते चले कि छोटे भाई तेजस्वी यादव भी फिलहाल दिल्ली में ही है, ऐसे में दोनों भाइयों के बीच मुलाकात और बातचीत से कलह को कम करने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि नाराज तेज प्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू पर कार्रवाई होने तक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेने की बात कही है। उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 35 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। राज्य के उपभोक्ता संरक्षण विभाग में विभिन्न जिलों में अध्यक्ष और सदस्यों को मिलाकर कुल 35 सीटों को भरा जाना है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। यह 15 सितंबर तक चलेगी। इसके तहत पटना, भोजपुर, नवादा, मधेपुरा और बेगूसराय जिले में जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। तो वहीं भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, मधेपुरा, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, दरभंगा के जिला आयोग में सदस्य के एक एक पद पर नियुक्ति होगी। वहीं भागलपुर और दरभंगा में एक एक महिला सदस्य की नियुक्ति होनी है। इसके अलावा मुंगेर, लखीसराय, गोपालगंज, सहरसा, मधुबनी, वैशाली, शिवहर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिला उपभोक्ता आयोग में दो दो सदस्य के पद पर भर्ती होनी है। प्रत्येक आवेदक केवल एक ही जिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। भागलपुर में लापरवाह सीओ पर गिरी गाज। सरकार इन दिनों लापरवाह अधिकारियों को लेकर सजग हुई है। यही कारण है कि आए दिन कई लापरवाह अधिकारी नपे हैं। ताजा मामला भागलपुर जिले से आया है, जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जगदीशपुर सीओ संजीव कुमार को काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभाग को कई शिकायतें मिल रही थी, जिसकी जांच बांका एसडीएम और भागलपुर सदर डीसीएलआर द्वारा की गई थी, जिसके बाद जांच रिपोर्ट में ऑनलाइन म्यूटेशन समेत कई मामलों में अनियमितताएं पाए जाने के बाद विभाग स्तर से निलंबन की कार्रवाई की गई है। उनके जगह पर दूसरे अधिकारी को सीओ का प्रभार दिया जाएगा। सूबे में दो नई रेल परियोजनाओं को शुरू करने के लिए हम प्रमुख ने की मांग। बीते मंगलवार को दिल्ली में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले थे। इस दौरान उन्होंने रेल परियोजना से जुड़ी दो मांगे रखी थी। इसे लेकर अब पार्टी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें गया से बोधगया, शेरघाटी, बांके बाजार, इमामगंज, डुमरिया होते हुए चतरा, डाल्टनगंज तक एवं इस्लामपुर से खिजर सराय होते हुए गया तक रेल परियोजना शुरू की संबंधी एक मांग पत्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सौंपने की जानकारी दी गई। उन्होंने अपने मांग पत्र में यह भी बताया है कि गया डाल्टनगंज रेल परियोजना की पूर्व में सर्वे भी कराया जा चुकी है, जिसके बाद रेल मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। बिहार के लाल संतोष भंडारी की पुस्तक ओलंपिक सिरमौर का हुआ शानदार विमोचन। टोक्यो ओलंपिक 2020 के विजेता रहे भारतीय पदक वीरों पर बिहार के रोहतास के रहने वाले संतोष भंडारी ने कविता पुस्तक ओलंपिक सिरमौर लिखा, जिसका लोकार्पण खुद टोक्यो ओलंपिक विजेताओं ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में किया। कार्यक्रम के दौरान कुश्ती के सिल्वर पदक विजेता रवि दहिया, जैवलिन थ्रो के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की माँ सरोज तथा पिता सतीश चोपड़ा के हाथों भी उनका आवास पर पुस्तक विमोचित किया गया। बताते चले कि ओलंपिक सिरमौर संतोष भंडारी की दूसरी पुस्तक है। इस पुस्तक में कुल 39 कविताओं का संग्रह है, जिसमें 10 कविताएं टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता तथा उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय योद्धाओं के संघर्ष पर आधारित है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी में गहमा गहमी के बीच प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार के महागठबंधन में जुड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो भी महागठबंधन में आना चाहेंगे उसके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन महागठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री तभी होगी जब वे तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, नहीं तो कोई एंट्री नहीं है। वह इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जदयू और राजद के बीच की दूरी कभी कम नहीं हो सकती है। तीसरे टेस्ट मैच में खराब प्रदर्शन पर ट्रॉल हो रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे लीड्स के हेडिंगले में सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पूरी टीम 41वें ओवर में ही सिर्फ 78 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रॉल किया जा रहा है। फैंस विराट कोहली और पुजारा को टीम से
हटाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि विराट को ब्रेक की जरूरत है। तो वहीं एक दूसरे यूजर लिखते हैं कि हम लोग विराट को प्लेइंग 11 में क्यों रख रहे हैं, अब समय आ गया है कि उनको रिलीज कर दिया जाए। बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में दिखा थोड़ा उछाल। सूबे में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के औसतन 10 से 15 के करीब मामले देखने को मिल रहे थे, मगर ताजा आंकड़ों में मामलों में वृद्धि हुई है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,76,736 सैंपलों की जाँच हुई, जिसमें 14 संक्रमित मिले। वहीं इस दौरान राज्य भर से 31 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। अरवल, कटिहार, कसनगंज, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर से 1-1, जबकि मधेपुरा व पटना से 6-6, सहरसा से 8, अररिया से 3, पूर्वी चंपारण से 2 नए संक्रमित मिले हैं। इस दरमियान 28 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्यभर में एक्टिव केस की संख्या 104 हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में किस टीम का पल ज्यादा भारी है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।